एक कन्हैया से डगमग डगमग दिग्गज डोले या सरकार की कुर्सी डोल रही है। जिस दिन सारा का सारा बेगूसराय का जनता इकट्ठा हो जाएगा मोदी को, नरेंद्र मोदी को अपने दोस्त नीरव मोदी के पास भाग करके जाना पड़ेगा। हम बात आपको कह देना चाहते हैं, और हम अगर गलत होते तो हम आज आपके बीच खड़ा नहीं होते। हथियारों का जखीरा पकड़ा जाता है भाजपाइयों के घर से, और दोस्त देशद्रोही कह रहे हैं कम्युनिस्टों को। 250 बम पकड़ा गया है बीजेपी के नेताओं के घर से, और देशद्रोही कह रहे हैं कम्युनिस्टों को। पैसा लेकर के भाग गया आपका दोस्त नीरव मोदी 35,000 करोड़, आपका दोस्त विजय माल्या 9,000 करोड़, और देशद्रोही कहते हैं कम्युनिस्टों को। आने वाला वक्त तय करेगा, आने वाला वक्त बताएगा। और एक कहानी आप सब लोग सुने होंगे कि एक बार जंगल में आग लगी तो एक कोयल अपने चोच में पानी भर के उस जंगल की आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। बड़े बड़े जानवर खड़े होकर के उसका उपहास कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तुम्हारी छोटी चोच से यह जंगल की आग नहीं बुझने वाली है। तो उस कोयल ने कहा कि यह आग जरूर बुझेगी, कोई ऐसी आग नहीं जो हमेशा जलती रहती है, उसको बुझना होता है। और यह आग जब बुझेगी तो तुम्हारा नाम लगाने वालों में और हमारा नाम बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और बेगूसराय का इतिहास यह है कि बेगूसराय कभी भी जात पात के झगड़े में अपने नागरिकों का खून नहीं बहाता है। बेगूसराय कभी भी मंदिर मस्जिद के झगड़े में अपने नागरिकों का खून नहीं बहाता है। आजादी के आंदोलन के वक्त भी हमने गोरों को मजा चखाया था, आजादी के बाद भी यह जो गोरे के चेले हैं इनको भी मजा चखाएंगे। गोरों को भी हराया था, चोरों को भी हराएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। न्यू आने वाली वीडियो